नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वंभर राय और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है एवं इसका मुख्य लक्ष्य क्या है इसकी स्टार्ट करने के पीछे। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन में आई बृहद स्थिरता को दूर करने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की। दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो सुस्थिर आधार पर अर्थात गेहूं, चावल एवं दलहन की उत्पादन में वृद्धि लाना है ताकि खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके और उसके अनुसार बुआई के कार्य में वृद्धि एवं प्रगति की जा सके। दोस्तों, इसका जो दृष्टिकोण सुसंपन्न प्रौद्योगिकी प्रसार एवं कृषि प्रबंधन पहल के माध्यम से इन फसलों के उत्पादन में व्याप्त जो अंतर है उसको दूर किया जाएगा एवं इन तीन फसलों जैसे कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि गेहूं, चावल और दलहन को इस योजना के अंतर्गत रखा गया है और इनके मध्य जो अंतर है किसी में कम वृद्धि होती है, किसी में ज़्यादा वृद्धि होती है, इसको दूर करना है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि इस योजना का जो पूर्ण लक्ष्य रखा गया था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 से 2008 है और वर्ष 2011 से 2012 के मध्य इसको संपन्न करने का लक्ष्य था। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल के अंतर्गत 14 राज्यों के 142 जिलों को सम्मिलित किया गया है जिसमें कि जो चावल में जो अपूर्व वृद्धि होती है उसको सुनिश्चित किया जा सके। और आपको बता दें कि वो गेहूं के अंतर्गत 9 राज्यों की 142 जिलों को सम्मिलित किया गया है इसकी में कि गेहूं के विभिन्न किस्मों को उत्पादित किया जाएगा और दलहन की योजना के अंतर्गत 16 राज्यों की 468 जिलों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत इन जिलों के 20 मिलियन हेक्टेयर धान के क्षेत्र तथा 13 मिलियन हेक्टेयर गेहूं के और 4.5 मिलियन हेक्टेयर दलहन के क्षेत्र को शामिल किया गया है जो धान एवं गेहूं की कुल बुआई के लगभग 50% क्षेत्र के बराबर है। आप समझिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों दलहन के लिए अतिरिक्त 20% क्षेत्र का सृजन और किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन की हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।